किसी भी कैंसर पेशेंट की बायोप्सी करने से क्या कैंसर फैल जाता है या कैंसर ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, जानिए ये और आपके बायोप्सी रिलेटेड अन्य सवालों का आंसर आज के वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता। मैं MBBS MD और DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, दिल्ली में स्थित कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर कंडक्टेड पिछले पॉल में ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स ने हमसे ये रिक्वेस्ट करी कि हम कैंसर बायोप्सी और से टेस्टिंग से रिलेटेड सवालों पे एक वीडियो बनाए। तो आज हम वो वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें हम आपके सवाल सारे सवालों का आंसर देंगे। तो जो हम सवाल डील करेंगे वो है, नंबर वन, बायोप्सी क्या होती है। नंबर टू, क्या बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है या कैंसर ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। नंबर थ्री, बायोप्सी का इंपॉर्टेंस या बायोप्सी की यूजेस क्या है, क्यों बायोप्सी की जाती है। नंबर फोर, बायोप्सी और FNAC में क्या डिफरेंस है। नंबर फाइव, बायोप्सी किन तरीकों से की जा सकती है। नंबर सिक्स, लिक्विड बायोप्सी यानी ब्लड में बायोप्सी का मतलब क्या होता है। नंबर सेवन, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री यानी IHC का क्या मतलब है और क्या इंपॉर्टेंस है। और नंबर एट, बायोप्सी करने से क्या रिस्क या क्या डेंजर हो सकते हैं। तो दोस्तों, एक एक करके सारे सवालों का हम कवर करते हैं। तो बायोप्सी का मतलब होता है कैंसर के टिश्यू का एक अंश लेना और उसकी टेस्टिंग करना वेरियस इंफॉर्मेशन पता करने के लिए। तो ये कई तरीके से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी को ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर है तो कॉमनली ब्रेस्ट या लंग कैंसर का एक टुकड़ा लेकर लेबोरेटरी भेजा जाता है टेस्ट करने के लिए। जबकि सपोज किसी को ब्लड कैंसर है तो सिंपल ब्लड सैंपल भी एक तरह के बायोप्सी ही है, क्योंकि उस ब्लड के अंदर कैंसर स्पेसिमेन के टिश्यू अवेलेबल है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि बायोप्सी का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी बायोप्सी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बायोप्सी का दोस्तों कैंसर में कई कई इंपॉर्टेंसेज है। नंबर वन, चूंकि कैंसर के ट्रीटमेंट कॉमनली हैवी होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायग्नोसिस इलाज करने से पहले कंफर्म किया जाए। तो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ बायोप्सी इज कैंसर का डेफिनेट कंफर्मेशन मिल जाता है, जो कि सिर्फ स्कैन या ब्लड टेस्ट से नहीं हो सकता। नंबर टू, कई केसेस में ऐसा होता है कि एक ही साइट में अलग अलग तरह के कैंसर हो सकते हैं जिनका अलग अलग ट्रीटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने हमारे अलग वीडियो देखे है तो आप जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मोन थेरेपी सेंसिटिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो टारगेटेड थेरेपी सेंसिटिव होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कीमोथेरेपी सेंसिटिव होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इम्यूनोथेरेपी सेंसिटिव होते हैं। इन टाइप्स में डिस्टिंग्विश करने का तरीका बायोप्सी को टेस्ट करके ही है, इसलिए बायोप्सी इंपॉर्टेंट है। नंबर तीन, बायोप्सी पे कैंसर के कुछ एडिशनल मॉलिक्यूलर टेस्ट या IHC की जा सकती है, जिसके काफी एडवांटेजेस है। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर की एग्जैक्ट या प्रिसाइज सब टाइप निकालने के लिए, या कैंसर की DNA टेस्टिंग करके एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट चूज करने के लिए इत्यादि। तो ये मॉलिक्यूलर टेस्ट सिर्फ बायोप्सी पे कर सकते हैं, जो इसको इंपॉर्टेंट बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो हमसे ऑलमोस्ट हर दो या तीन दिन कोई ना कोई पेशेंट क्लिनिक पे पूछता है, वो ये है कि क्या बायोप्सी से कैंसर फैलता है या ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और पेशेंट की लाइफ को डेंजर हो जाता है। तो मैं क्लियरली ये डिलेमा सॉल्व करना चाहता हूं, कैंसर की बायोप्सी से बीमारी नहीं फैलती, ना ही बीमारी ज्यादा एग्रेसिव होती है, और ऑन्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बायोप्सी मेजोरिटी ऑफ कैंसर में सेफ है। इसके सिर्फ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि लेडीज में ओवरी का कैंसर, जेंट्स में टेस्टिस का कैंसर, और कुछ पीडियाट्रिक कैंसर जैसे बच्चों का किडनी का कैंसर। बट मेजोरिटी ऑफ अदर ट्यूमर टाइप्स में बायोप्सी ना केवल सेफ है बट मैंडेटरी है, और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बायोप्सी एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। तो कभी बायोप्सी को यह समझ के ना अवॉइड करें कि इससे बीमारी फैल जाएगी या ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी। बायोप्सी एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर होती है मेजोरिटी ऑफ कैंसर्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि FNAC और बायोप्सी में क्या डिफरेंस है। कई बार पेशेंट हमारे पास FNAC की रिपोर्ट लेके आते हैं और हम उनको बोलते हैं कि नहीं, इसमें बायोप्सी भी करनी पड़ेगी। तो पेशेंट बोलते हैं कि सर, FNAC हो तो गया, इसमें बायोप्सी की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, FNAC और बायोप्सी दो अलग अलग प्रोसीजर है। FNAC का मतलब होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें ट्यूमर में एक बहुत ही पतली सुई, जैसे ब्लड सैंपल में जाने वाली सुई या उससे भी पतली सुई इंसर्ट करके उसमें से कुछ सेल सक किए जाते हैं और स्लाइड पर स्प्रेड किए जाते हैं। FNAC से कैंसर है या नहीं यूजुअली कंफर्म किया जा सकता है, परंतु FNAC की बहुत लिमिटेशन है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हमें कैंसर के सब टाइप भी पता करनी है, जेनेटिक टेस्ट भी करने हैं, IHC भी करना है। यूजुअली FNAC से कैंसर सेल बहुत स्मॉल क्वांटिटी में मिलते हैं और ये सब सोफिस्टिकेटेड टेस्ट FNAC में पॉसिबल नहीं है। ऑल्सो कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनको FNAC से डायग्नोस नहीं किया जा सकता, इसीलिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस और सबटाइपिंग के लिए बायोप्सी होता है। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिसमें FNAC इज इनफ टू प्लान ट्रीटमेंट, जैसे कि
थायराइड कैंसर, परंतु मेजोरिटी ऑफ केयर पेशेंट्स में बायोप्सी बेटर और मोर मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देती है जो हमारे पेशेंट को हेल्प कर सकती है, इसलिए बायोप्सी एफएनएसिस में हमेशा एक सुपीरियर टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो ये है कि बायोप्सी कितने तरह की होती है। तो दोस्तों, बायोप्सी करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे इजी और कॉमन तरह की बायोप्सी होती है उसको हम कोर बायोप्सी या ट्रूकट बायोप्सी बोलते हैं। उसमें एक पतली सुई इस्तेमाल की जाती है जो कि ट्यूमर के अंदर इंसर्ट करके एक बटन या एक लीवर एंगेज किया जाता है और वो अपने आप सुई ऑटोमेटिकली एक ट्यूमर का स्मॉल पीस निकाल के अपने पास स्टोर कर लेती है। फिर उस सुई को हम निकाल के उस पीस को एक कंटेनर में डाल देते हैं और उसको हम टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। तो ये बहुत ही सेफ, नॉन इंटरवेंशनल और इजी तरह की बायोप्सी है और मेजोरिटी ऑफ कैंसर में हम यही बायोप्सी से शुरुआत करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य डिफरेंट तरह की बायोप्सी है, फॉर एग्जाम्पल इंसिशनल बायोप्सी। इंसिशनल बायोप्सी मतलब ट्यूमर को ऑपरेशन करके एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजा जाए। एक्सिशनल बायोप्सी विच मीन्स कि पूरा का पूरा ट्यूमर काट के निकाल दिया जाए और टेस्टिंग के लिए भेजा जाए। और पंच बायोप्सी, तो दोस्तों पंच बायोप्सी का एग्जाम्पल हो गया मुंह के कैंसर। तो मुंह के कैंसर सामने दिखते हैं तो उनको आराम से बायोप्सी किया जा सकता है। एक जैसे कि चिमटा होता है वैसे एक पंच नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे उस ट्यूमर का एक अंश क्रश करके बाहर निकाल लिया जाता है और टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। इसके अलावा एक कॉमन क्वेश्चन जो आजकल इंक्रीजिंगली पेशेंट हमसे पूछते आ रहे हैं वो है लिक्विड बायोप्सी। रिसेंट टाइम पे काफी साइंटिफिक रिसर्च और डिस्कवरीज इस नई तरह की बायोप्सी पर फोकस कर रहे हैं, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे आज की लिक्विड बायोप्सी क्या होती है और इसके क्या इंपॉर्टेंस और डिसएडवांटेजेस है। तो दोस्तों, बॉडी में कहीं पे भी कोई कैंसर सेल है, यानी कोई कैंसर, सपोज किसी को लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, तो कॉन्सेप्ट ये होती है कि कैंसर के कुछ सेल या कुछ कैंसर का डीएनए ब्लड स्ट्रीम में शेड होता रहता है और इनको सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल या सेल फ्री डीएनए बोलते हैं। तो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल वो ट्यूमर सेल है जो ट्यूमर से शेड होके ब्लड में पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं और ट्यूमर का जो डीएनए बिना सेल के सर्कुलेट कर रहे हैं उसको सेल फ्री डीएनए बोलते हैं। तो आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि इन सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल को डिटेक्ट किया जा सकता है, साथ ही इन सेल फ्री डीएनए को भी डिटेक्ट या सीक्वेंस किया जा सकता है और इस प्रोसेस को लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं। तो लिक्विड बायोप्सी का एक एग्जांपल ये हो सकता है कि यदि सपोज किसी को कोई ट्यूमर है जो बहुत रिमोट लोकेशन पे है और उसको बायोप्सी करना इम्पॉसिबल है, तो पेशेंट के ब्लड सैंपल से सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल निकाल के टेस्ट कर सकते हैं कि ये ट्यूमर प्रेजेंट है या नहीं है और ये किस तरह का ट्यूमर है। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा बड़ी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है, यू आर राइट, इट इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, बट इसकी इस समय कुछ लिमिटेशन है। नंबर वन, लिक्विड बायोप्सी बहुत ही एक्सपेंसिव है और कुछ स्पेशलाइज लैब्स में ही होती है, तो कई केसेस में बिना किसी बात लिक्विड बायोप्सी करने से पेशेंट का कॉस्ट बर्डन सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है। नंबर टू, लिक्विड बायोप्सी की यील्ड टिश्यू बायोप्सी से कम है। तो फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी को लंग कैंसर है तो यदि उस लंग कैंसर के टिश्यू की डायरेक्टली बायोप्सी की जाए तो ऑलमोस्ट एवरी केस में हमें ट्यूमर सेल मिल जाएंगे, परंतु यदि इसी पेशेंट की हम लिक्विड बायोप्सी करने की करें तो 30% पेशेंट मिस हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे इन पेशेंट्स में ट्यूमर में ब्लड में शेडिंग मशीन के रेजोल्यूशन के नीचे है और इसलिए मशीन उन सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल को डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो ऑल्दो लिक्विड बायोप्सी सिलेक्टेड पेशेंट्स के लिए एक अच्छा टेस्ट है, हर पेशेंट में लिक्विड बायोप्सी पॉजिटिव नहीं आती और हाई कॉस्ट की वजह से ये टेक्नोलॉजी यूज हम सिर्फ तभी यूज करते हैं जब टिश्यू या सॉलिड बायोप्सी पॉसिबल नहीं हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था वो ये है कि आईएचसी या इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो दोस्तों, यदि आपके पास अपने कैंसर की बायोप्सी रिपोर्ट है तो आपने देखा होगा कि उसमें या तो आईएचसी रिकमेंडेड है या आईएचसी किया हुआ है और उसमें एक मार्कर्स की लिस्ट दी होगी, जैसे कि सीके, सीके 20, सीके 7, सेरेप्टोफाइसिन, क्रोमोग्रेनिन, वाइमेंटिन, ईएमए, सेरेप्टोफाइसिन इत्यादि। ये तो इन चीजों को इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री या हिस्टोलॉजिकल मार्कर्स बोलते हैं। तो हिस्टोलॉजिकल मार्कर्स से हमारा क्या तात्पर्य है? दोस्तों, हर कैंसर सेल एक जैसा नहीं होता, कुछ कैंसर सेल एक तरह के होते हैं, कुछ कैंसर सेल दूसरी तरह के होते हैं और इनका बिहेवियर अलग होता है और ट्रीटमेंट अलग होता है। तो इन सेल को डिस्टिंग्विश करने के माइक्रोस्कोप के नीचे दो तरीके हैं। नंबर वन, उन सेल्स को हम देख के डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और मॉर्फोलॉजी सेल्स की डिफर करती है। तो फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लंग कैंसर का एग्जाम्पल लें तो कुछ सेल माइक्रोस्कोप के अंडर ग्लैंड फॉर्म के ट्यूमर बनाते हैं जिसको हम एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं, और कुछ सेल माइक्रोस्कोप में स्क्वामस टाइप के फॉर्मुलेशन बनाते हैं जिसको हम स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं।
बट इन एडिशन ये देखा गया है कि सेल की सरफेस पे को या सेल के अंदर कुछ स्पेशल तरह के प्रोटीन होते हैं जो एक सेल में अलग तरह के होते हैं और दूसरे सेल में अलग तरह के होते हैं, और इन प्रोटीन को स्पेशल टेस्ट करके हम सेल में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं स्पेशल प्रोटीन के टेस्ट को इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लंग कैंसर की बात करें तो एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को 3 या 4 इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर्स लगाकर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एडिनोकार्सिनोमा में 2 तरह के मार्कर पॉजिटिव आते हैं और 2 नेगेटिव आते हैं, एंड वाइस वर्सा, जो आपका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है उसमें 2 मार्कर पॉजिटिव आते हैं और एडिनोकार्सिनोमा वाले मार्कर नेगेटिव आते हैं। इसी तरह के एल्गोरिथम हर डिफरेंट ट्यूमर टाइप में अवेलेबल है। तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एक बहुत ही यूजफुल, सस्ता और आसान तरीका है जिससे हम विभिन्न ट्यूमर सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और उनके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग हम गाइडेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हम डील करेंगे कि बायोप्सी के क्या नुकसान है और क्या रिस्क है। तो दोस्तों यूजली बायोप्सी के रिस्क के रिगार्डिंग एग्जैक्ट रिस्क का बारे में डिपेंड करता है कि हम बायोप्सी किस साइट से ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी को मुंह का कैंसर है और सामने से एक बायोप्सी का पीस ले रहे हैं तो इसमें रिस्क जनरली ना के बराबर होता है क्योंकि टिश्यू इजीली एक्सेसिबल है, हमें किसी वाइटल ऑर्गन को टच नहीं करना पड़ पा रहा और आराम से सामने सामने बायोप्सी ले ली है। ऑन दी अदर हैंड यदि किसी को बहुत डीप ट्यूमर है जो किसी बड़े ब्लड वेसल के बगल में है तो रिस्क ज्यादा है क्योंकि नीडल ट्यूमर को एक्सेस करते हुए बगल वाले वेसल को हिट कर सकती है। तो दोस्तों प्रिसाइज रिस्क ट्यूमर टू ट्यूमर, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है, बट मोटा मोटा मोस्ट केसेस में बायोप्सी से कुछ पेशेंट को माइल्ड ब्लीडिंग, कुछ पेशेंट को माइल्ड पेन या सोरनेस और कुछ पेशेंट को बायोप्सी के बाद कुछ टाइम परसिस्टेंट पेन मे बी फ्यू डेज का हो सकता है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बायोप्सी इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर और 95% से ज्यादा पेशेंट में बायोप्सी की कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। जो भी साइड इफेक्ट बायोप्सी के होते हैं यूजली इजिली मैनेजेबल होते हैं। कुछ स्पेशल लोकेशंस में बायोप्सी माइट बी लिटल मोर रिस्की, तो इन साइट से बायोप्सी करने से पहले आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से केयरफुली डिस्कस कर लेना चाहिए कि क्या बायोप्सी इन साइट से सेफ है और इससे इस पर्टिकुलर साइट पर बायोप्सी करने का क्या रिस्क है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपकी अटेंशन के लिए धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि आज हमने आपके बायोप्सी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। परंतु हो सकता है कि वीडियो में आपके माइंड में कोई सवाल था जो मैं आपका सवाल कवर नहीं कर पाया हो और आंसर नहीं कर पाया हो, तो दोस्तों स्क्रीन पे डिस्प्लेड सोशल मीडिया लिंक से या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका सवाल का जवाब आप तक पहुंचे। दोस्तों हमारे चैनल का पर्पज यह है कि हमारे देश के कैंसर पेशेंट को उनकी लैंग्वेज में उनके कैंसर की ट्रीटमेंट और लेटेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। और यदि आपको कैंसर के टॉपिक में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर क्लिक करें। हमारे चैनल पे फ्रीक्वेंटली पोल्स कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें हमारे चैनल के सब्सक्राइबर खुद डिसाइड कर सकते हैं कि वो अगला वीडियो किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं, और मुझे खुशी होगी कि अगर आप अगले पोल में हमसे जुड़े और अपने पसंद के टॉपिक के लिए वोट करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।